ऋषि सोनक जो कि भारतीय निजाद है, बरतानिया का नया वजीर आजम बन गया प्राइम मिनिस्टर। बरतानिया की तारीख में पहली मरतबा कोई ऐसा हुआ कि एशियाई वजीर आजम मुंतखब हो गया, और भारत के लिए तो ये गैर मामूली एजाज़ है ही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 150 साल हुक्मरानी की है उन्होंने हमारे ऊपर, और आज वो वजीर आजम बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका कनाडा कहीं भी देख लें तो वहाँ पर जो है उनके शहरी आला अहदों पर फायज हैं। साथ साथ अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी, जितनी मल्टीनेशनल्स हैं यार, उनके सीईओज़ जो हैं वो सारे के सारे इंडियंस ही हैं। तो क्या वजह है यार, हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की और आज जो है वो हमसे कहीं आ गया। अगर हम देखें यार, पिछले 20 सालों में उसने क्या किया कि अपने जितने भी काबिल तरीन तलबा थे उन सारों को उसने अंडर द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में यूरोपियन, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में भेजा, और वहाँ जाके उन्होंने अच्छी तरीके से एजुकेशन भी हासिल की उन स्टूडेंट्स ने, अपनी स्किल्स को भी अर्न किया, लर्न किया, और फिर जाके आधा अहदों पर फायज हुए। हैरानी की बात है ना। और उनके मुकाबले में हमने क्या किया है, छः यार पराई जंगें अपने सर ले ली, लाखों नौजवानों को जो है पराई जंग में धकेल दिया, क्लाशन को कल्चर ले आए, मंशियात शुरू हो गई है, हेरविन शुरू हो गई, और आज इतने नौजवान हमारे मंशियात के आदी हैं, और बाकी नौजवान जो है जिंदाबाद, मुर्दाबाद अमरीका, और उसके बाद हमारी सियासी पार्टियों में लगे हुए सारे के सारे, और ट्रक की बत्ती के पीछे भागे जा रहे हैं यार सारे के सारे। और मुस्तकबिल करीब में यार अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छे आसार नज़र भी नहीं आ रहे हम लोगों को, तो यार क्या करना है, हमने संजीदा होना है कि नहीं होना। तो कोशिश कर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मीडिया पे गुजारने की बजाय स्टडीज़ पे गुजारें।